सो दिस इज अवर इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो देखिए आप, इलेक्ट्रोड को मैंने सेपरेटली एक अलग से चैम्बर में रखा है और यहां पर ये क्या है, रेजिस्टिव हीटिंग एलिमेंट है और ये चार्ज है। तो यहां से जब ये करंट जाएगा, हेयर प्रोड्यूस आई स्क्वायर आर, तो ये क्या है हमारी हीट, एंड दिस हीट विल गेटिंग ट्रांसफर टू चार्ज। ये हीट ट्रांसफर होगी चार्ज के थ्रू, चार्ज को थ्रू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके गाइस, तो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस सब पॉइंट विद यू। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। क्या सबसे पहला पॉइंट बेटा, जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस में ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते थे हम, वो यहां कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, बट एफिशिएंसी ऑफ दिस मेथड इज लेस एज कंपैरिजन टू डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ओके गाइस, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो यहां पर ये चीजें क्लियर हुई होंगी आपको, दिस मेथड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू हीट द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके गाइस, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है, मोर देन सफिशियंट है। इससे ज्यादा इसमें पढ़ने के कुछ पॉइंट्स वही हैं कि आपकी जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किस मोड के थ्रू ट्रांसफर होगी, क्योंकि कंडक्शन में तो डायरेक्टली हो जाएगी, बट इस मेथड के अंदर कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड मोड के थ्रू हीट ट्रांसफर होगी चार्ज को। ठीक है गाइस, सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट बेटा, रेडिएंट और इंफ्रारेड हीटिंग। तो बेटा अगर आपने मेरा लैंप वाला लेक्चर देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपसे क्या एक्सप्लेन करा था, वहां पर टंगस्टन बल्ब के बारे में बताया था। और मैंने बताया था टंगस्टन बल्ब हमें लाइट तो देता ही देता है, फिलामेंट बल्ब, साथ के साथ अगर हम उसके पास जाते थे, अगर आप अपना हैंड उसके पास लेके जाएंगे तो हमें हीट भी मिलती थी। तो वो जो हीट होती थी, वो हीट हमें किस मोड के थ्रू ट्रांसफर होती थी, मैंने बताया वहां रेडिएशन मोड के थ्रू ट्रांसफर होती थी। ओके, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रिक लैम्प की तरीके से समझ लीजिए, तो हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहां यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ड्राइंग द पेंट, जहां पेंट इंडस्ट्री होती है, या आपने कहीं पेंट किया है किसी बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट को और उसे आपको सुखाना है, उसे ड्राई करना है, तब मैं कौन सी मेथड का यूज करूंगा, रेडिएंट और इंफ्रारेड हीटिंग। ये पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ हीटिंग दैट वी आर यूज इन ड्राइंग द पेंट, तो आप आंसर देंगे कि रेडिएंट और इंफ्रारेड हीटिंग। ओके गाइस, इट इज मोर देन सफिशियंट, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब रेडिएशन के मोड के थ्रू कैसे ट्रांसफर होती है ये सब मैं आपको बता चुका हूं। लेट्स मूव फर्दर बेटा, आर्क हीटिंग जो होती है, इसका जो डायरेक्ट आर्क हीटिंग मोड है और इनडायरेक्ट हीटिंग मोड है, वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा, लेकिन आज बता देता हूं आपको।
कि डायरेक्ट आर्क हीटिंग में क्या है कि इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड ले लीजिए आप और उनके बीच में आर्क प्रोड्यूस करके, ठीक है, क्या ट्रांसफर करी जाती है? हीट। आप देखते हैं यहां पर क्या है, आर्क इज मेड स्ट्राइक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड चार्ज। तो चार्ज होगा और उसके बीच में, इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में क्या प्रोड्यूस होगा? आपका आर्क। उसके थ्रू हमारा क्या होगा, हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो हीट एनर्जी ऑफ आर्क इज एब्जॉर्ब बाय द चार्ज, दस हीटिंग इज डन। इनडायरेक्ट में क्या होगा बेटा, सेम एज जैसे आर्क इज मेड टू स्ट्राइक बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड हीट ऑफ आर्क देन पास्ड ऑन चार्ज थ्रू रेडिएशन। ठीक, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये कल मैं पिक्चर के थ्रू आपको क्लियर करा दूंगा दोनों पॉइंट। यहां सिर्फ इंट्रो दिया है इनका। सो गाइस, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट मेथड। इसमें क्या है, किसी बॉडी को हिट करने के लिए उसमें काफी सारे, अगर हम इलेक्ट्रॉन को फॉल आउट करें तो वह इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट से वो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, हीटअप हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब क्या होगा, आपका ऐसा समझ लीजिए इससे कि आप इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही आप उसे स्ट्राइक करेंगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी और वो उस बॉडी से इजेक्ट होगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्ट्राइक होने से पहले, मतलब जैसे स्ट्राइक होगा तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। ठीक गाइस, इसे भी एक्सप्लेन करेंगे हम, डोंट वरी। जस्ट मैंने आज आपको जो पावर हीटिंग है वो पूरी की पूरी कंप्लीट करा दी है, उसमें रेजिस्टेंस हीटिंग आज हमारी कंप्लीट हो गई। कल हम आर्क और बम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हीटिंग भी देखेंगे और बाकी इंडक्शन और डाइलेक्ट्रिक भी। नेक्स्ट है बेटा, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। क्या रीजन होते हैं आपके हीटिंग एलिमेंट के? देखिए, जो रिक्वायर गुड हीटिंग एलिमेंट के लिए जो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब यहां पर आपसे कि किस कारण से हमारा हीटिंग एलिमेंट फेल हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट। तो बेटा हॉट स्पॉट्स में क्या है आपका, कि मान लीजिए कोई नाइक्रोम का वायर है, ठीक है, दिस इज कॉयल, ठीक है, दिस इज कॉयल। यहां पर क्या है कि जब आप इससे मल्टीपल ऑपरेशंस लेते हैं तो धीरे धीरे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो धीरे धीरे क्या होता है, वीक हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर वीक पॉइंट पर क्या होता है, आपको कुछ ग्लो दिखेगा। जैसे आपने अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा, कहीं घर के पास कोई वायर, तो इन समर्स कहीं पे वायर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो जाता है, हीट होके ग्लो करने लगता है। वो हमें नाइट में आसानी से दिखता है। तो वहां से वो पॉइंट क्या होता है, डे बाय डे डेप्रिशिएट होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि वायर, वहां से एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीडेशन आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। ड्यू टू द ऑक्सीडेशन लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट गोइंग डिक्रीज, एम्ब्रिटलमेंट ड्यू टू गेन ग्रोथ, कोरोजन और मैकेनिकल फेलियर। तो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फेलियर फॉर नॉलेज पर्पस, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक, सो गाइस, आज के लिए हम सेशन इतना रखते हैं। इससे ज्यादा सेशन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है जो इफेक्टिव हमारी लर्निंग है वो बहुत कम हो पाती है इस रिकॉर्डेड वीडियो में, लेकिन जब ये प्रीमियर होगा तो मैं वहां कमेंट में आपके साथ अवेलेबल रहूंगा। अब आपको क्या करना है, मेरे लिए फेवर है ये करना है, इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करोगे प्लीज शेयर, और इसके नोट्स मैं वन बाय वन टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो नोट्स आपको वहां से टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, लिंक आपको प्रोवाइड होगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे आप अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस पे मैं स्पेशल क्लासेस लूंगा तो वहां पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जो हमारा
आपने थर्मस देखा होगा जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर को फिल करते हैं। तो उसमें जो मतलब हॉट वाटर को फिल जो करते हैं, तो वहां पर उस थर्मस में क्या होता है, आपका जो अंदर की वॉल होती है उसे स्पार्कलिंग यानी काफी चमकीला बनाया जाता है। ऐसा क्यों, इसे आपको कमेंट, ये मैंने नहीं पढ़ाया बट इसका फेनोमेना मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप कमेंट में कहीं से सर्च करके जरूर बताना। ठीक, सेकंड पॉइंट है पावर, इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे होती है, एक एग्जांपल के तौर पे जरूर बताना आप मेरे को कमेंट करके। ठीक गाइस, और आप में से जो सबसे पहले कमेंट देगा मैं उसका नाम यहां पर लूंगा, और ज्यादा लोगे तो मैं आप सभी का नाम लेने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, तो इससे क्या है ना, आपके और मेरे बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, कहीं कोई डाउट रह जाए तो स्टूडेंट बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कमेंट में कर देना, मैं जितना जल्दी होगा आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और पेशेंस रख